तो चलिए एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। और हम चर्चा कर रहे हैं नवंबर के तीसरे सप्ताह की, तीसरा सप्ताह जो कि आपके लिए मेरे इस वीडियो के अनुसार 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और 15 से 21 नवंबर तक की हम बात करेंगे। तो 15 नवंबर को जो स्थिति रहेगी चंद्रमा की, क्योंकि हम साप्ताहिक राशिफल की चर्चा कर रहे हैं और ये साप्ताहिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, तो सबसे पहले 15 और 16 नवंबर को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि में रहते हुए चंद्रमा मेष राशि वालों के लिए अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए थोड़ी सी मानसिक रूप से परेशानी लेकर आएगा। चंद्रमा आपको पता है वृश्चिक में नीच के हो जाते हैं, तो इस वजह से आपको हेल्थ की परेशानी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा आपके राशि स्थान में है और आपके फोर्थ हाउस के स्वामी भी हैं राशि स्थान के अनुसार। तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामलों में यहाँ पर अच्छी स्थिति नहीं रहेगी और माता जी के स्वास्थ्य को लेकर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो इस समय में आपको इतनी परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये जो समय है वो मानसिक रूप से अस्थिरता आपको जरूर देगा। तो थोड़ा सा आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा और जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, जो घटनाएं, जो जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं फिलहाल, उनसे आपको दूर हटना पड़ेगा और आपको इमोशनल नहीं होना है। ये जो समय रहेगा स्टार्टिंग में, ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक जरूर रहेगा। साथ ही चंद्रमा अष्टम में ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है। आपकी रुचि किसी गोपनीय बात में या गोपनीय ऐसे विषयों में भी हो सकती है चंद्रमा के अष्टम में होने से। तो ये नीच की स्थिति चंद्रमा की इतनी अच्छी आपके लिए नहीं कही जाएगी। इसके बाद चंद्रमा यहाँ पर जो अगला ट्रांजिट कर रहे हैं, ये 17 और 18 को आपके लिए धनु राशि में जा रहे हैं। धनु राशि में आपके 9th हाउस में रहेंगे। 9th हाउस में चंद्रमा की ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। यहाँ पर ये अपने मित्र गुरु की राशि में रहेंगे। गुरु की राशि में गोचर करने से आपके लिए यहाँ पर ये भाग्य का साथ दिलाएंगे, पिता से आपको अच्छा सहयोग दिलाएंगे, साथ ही लंबी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ होगा। इस समय में आप किसी धार्मिक कार्य में रुचि ले सकते हैं या कहीं धार्मिक आयोजन हो रहा हो उसमें भाग ले सकते हैं। इस समय में आप अपने जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं और विशेषकर अपने पिता से सलाह जरूर लीजिए, जिससे आप इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकेंगे। तो ये समय कुल मिलाकर बहुत अच्छा कहा जाएगा जो स्टूडेंट उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, साथ ही साथ जो लोग कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत बेहतरीन साबित होगा। साथ ही चंद्रमा यहाँ से थर्ड हाउस को देख रहे हैं। थर्ड हाउस को देखने से आपको चंद्रमा मेहनती जरूर बनाएंगे, लेकिन कोई भी रिस्क वाला काम करने से आप इस समय में घबराएंगे। तो थोड़ी सी यात्राएं जरूर आपका यहाँ पर लाभ देंगी और यात्राएं आपकी होती रहेंगी। कुल मिलाकर ये समय यात्राओं के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आपको कहीं भी जाने का मौका मिल रहा हो, चाहे आप अपने प्रोफेशनल करियर के लिए कहीं जा रहे हैं या फिर आप किसी अन्य पर्पज से कहीं जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। साथ ही साथ चंद्रमा यहाँ से थर्ड को देख रहे हैं तो आपके लिए जो छोटे भाई बहन हैं उनकी मदद भी मिल जाएगी और कहीं ना कहीं पड़ोसियों से भी आपको फायदा हो सकता है। इसके साथ ही देखिए थर्ड हाउस को देख रहे हैं तो छोटी छोटी यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। तो ये जो समय रहेगा आपके लिए वो बहुत ही अच्छा साबित होगा। पिछले जो 2 दिन आपके रहे हैं उनसे बहुत अच्छा साबित होगा। इसके बाद जो स्थिति आपके लिए बन रही है 19 और 20 को चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में गोचर करते हुए ये आपके दशम भाव में होंगे। दशम भाव में यहाँ पर ये शनि और गुरु के साथ रहेंगे, तो शनि और गुरु के साथ चंद्रमा के होने से आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, आप अपने जॉब पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और कुल मिलाकर ये जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी ये आपको प्रोफेशनल करियर में एक नई ग्रोथ करने के लिए प्रेरित करेगी। आपका सबसे ज़्यादा ध्यान अपने जॉब पर ही रहेगा। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ की परिस्थितियाँ आपको इस समय में जरूर प्रभावित करेंगी। जो लोग अभी जॉब की तलाश में हैं या कहीं काम की तलाश में हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है।
साथ ही चंद्रमा यहाँ से आपके फोर्थ हाउस को देख रहे हैं। फोर्थ हाउस को देखने से जो लोग घर से काम कर रहे हैं या किसी भी तरीके से आप घर से जुड़े हुए हैं और घर से ही जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा साबित होगा। साथ ही आप अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं या कोई अन्य घर का काम है जो लंबे समय से आपका अटका हुआ था, उसमें आपको अच्छी सफलता ये समय दिलाएगा। साथ ही साथ चंद्रमा यहाँ से फोर्थ को देख रहे हैं तो आपकी माताजी के साथ आपके संबंध बहुत बेहतर होंगे और आपकी माताजी को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या अभी अगर चल रही है वो दूर होगी। तो ये जो समय है वो और भी अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि पिछले जो दो दिन थे उनमें आपको भाग्य का साथ ज़्यादा मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो 21 नवंबर की चंद्रमा की स्थिति रहेगी उसकी। 21 नवंबर को ये हमारे जो वीक है उसका अंतिम दिन है। तो 21 नवंबर को यहाँ पर मकर से निकलकर ये आपके लिए कुंभ राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि में जाने से देखिए लाभ भाव में चंद्रमा आ गए हैं और लाभ भाव में आने के बाद अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, विशेष रूप से धन के मामले में। आपने पहले कुछ जो दो चार दिन पहले भी जो पैसा कमाया है वो तो आपका है ही है, साथ में अब आपके जो रुके हुए काम हैं धन को लेकर वो भी बनेंगे और ये समय कहीं से अचानक धन प्राप्ति का रहेगा। साथ ही आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं वो भी आपको सहायता करने के लिए कभी भी मना नहीं करेंगे इस समय में। तो आप अगर कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, किसी भी प्रकार की ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं और आप किसी से सलाह मांगते हैं या आप किसी से पैसा मांगते हैं तो आपको धन निश्चित रूप से मिल जाएगा। आपका धन कहीं पर फंसा हुआ था, आपको मिल नहीं रहा था, निश्चित रूप से आपका धन आपको मिलेगा। आपके बड़े भाई के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे आपके। साथ ही साथ आप अपने नेटवर्क में बहुत ज़्यादा इस समय विस्तार कर सकते हैं। कुछ लोग नए आपके संपर्क में आएंगे और वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। तो चंद्रमा का लाभ भाव में होना विशेष आपको फायदा करेगा। साथ ही साथ चंद्रमा पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव को देखने से आपके लिए शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह या कहीं से भी अचानक धन की प्राप्ति के जो साधन हैं उनसे धन की प्राप्ति करवाएंगे। आप अपनी संतान को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल इस समय में रहेंगे। आप अपनी संतान की केयर बहुत ज़्यादा करेंगे। आपकी संतान भी आपकी पूरी पूरी सहायता इस समय में जरूर करेगी। तो ये समय बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है मेष राशि वाले जातकों के लिए। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर चंद्रमा का जो ये ट्रांजिट है लाभ भाव में, वो आपको कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल के फील्ड में बहुत अच्छा सक्सेसफुल बना सकता है। तो आप में कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी है, आप कुछ सर्जन कर सकते हैं, नया कोई कोई क्रिएशन कर सकते हैं, तो उसके लिए ये समय बहुत बेहतरीन रहेगा। साथ ही साथ आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं या कोई भी ऐसा जॉब कर रहे हैं आप जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ता हो और आपको अपनी सर्जन शक्ति का सहारा लेना पड़ता हो, तो समय बहुत अच्छा है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, साथ में आपको हर तरफ से इस समय में सहायता मिलेगी। चंद्रमा पंचम को देख रहे हैं तो प्रेम संबंधों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ क्रिएटिव सीखेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि आप कहीं भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से चंद्रमा यहाँ पर हेल्प करेंगे और आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये जो पूरा वीक है अगर शुरुआत से लेके अंत तक देखा जाए तो शुरुआत में ज़रूर आपको थोड़ी परेशानी होगी। अगर आप वाहन चलाते हैं तो शुरुआती दो दिन में सावधान जरूर रहिए, उसके बाद आपको कोई खतरा नहीं होगा। जैसे जैसे समय इस वीक में आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको समय का लाभ और इस गोचर का, चंद्रमा के गोचर का लाभ मिलता चला जाएगा। अब बात आती है चंद्रमा की स्थिति की आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली में चंद्रमा किस स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है, ये जो गोचर है इसका प्रभाव इन चीज़ों पर भी पड़ेगा। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो आपको अच्छे रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, अगर चंद्रमा खराब स्थिति में बैठे हैं तो आपको कुछ और बुरे रिजल्ट भी मिल सकते हैं या कुछ रिजल्ट्स में कमी रह सकती है। अब बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए इस वीक में जो इनके लिए शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 9 और आपके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा येलो कलर। तो फिलहाल बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।